गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर विच इज़ लेसन नंबर 11 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड आर लेसन नंबर 10. ओनली क्वेश्चन आंसर आर लेफ्ट. सो ओके, नाइन्थ टेंथ के क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं भेजे मैंने, बट आप लोग को जल्दी ही भेज दूंगी. ओके, आज हम लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे. सो ये अपोजिट वर्ड्स तो हम कर चुके थे ना, पेज नंबर 51 में जो अपोजिट वर्ड्स हैं इंग्लिश में, लास्ट, नेक्स्ट, इन्हीं इसी हेल्प बॉक्स में जो लिखे हुए हैं इन्हीं से आपको अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं. ओके, जैसे लास्ट है तो नेक्स्ट होगा, इजी है तो डिफिकल्ट होगा, फुलिश है तो वाइज होगा, इल है तो वेल होगा, हैप्पी है तो सैड होगा, है ना, रिक्वेस्ट है तो ऑर्डर होगा. इस तरीके से आप इनमें से ढूंढ सकते हैं. ओके, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा. यहाँ पे देखिए पेज नंबर 52 में, ओपन एट पेज नंबर 52, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज. मतलब सारे सेंटेंस में आपको एज सून एज ऐड करना है. एज सून एज इट स्टार्टेड रेनिंग द लाइट वेंट आउट. जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही लाइट क्या है चली गई. The light went out, Manu lighted a candle. As soon as the light went out, Manu lighted a candle. Okay? इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए लेसन नंबर 11 है द शिप ऑफ द डेजर्ट. मतलब डेजर्ट का जो जहाज है वो किसे कहा जाता है, द शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को कहा जाता है. ओके, यू नो ना, कैमल, कैमल जो है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं और उन्हें शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. रेगिस्तान का जहाज जो है वो किसे कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है. डू यू नो मी, आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. क्या आप लोग जानते हैं मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, मैं रेगिस्तान का जहाज कहा जाता हूँ. एंड आई एम ट्रूली द शिप ऑफ द डेजर्ट, और मैं सच में रेगिस्तान का जहाज हूँ. अ शिप कैरीज मैन एंड गुड्स अक्रॉस द सी. जैसे कि शिप का काम क्या होता है, जहाज का काम क्या होता है, कि सामान को और लोगों को एक स्थान से, मतलब समुद्र से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, मतलब समुद्र पार कराना. वैसे ही आई कैरी मैन एंड गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट. उसी तरह मैं भी रेगिस्तान में लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में, रेगिस्तान को पार करा के ले जाता हूँ, इसीलिए मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. ओके, अ शिप कैन मूव इजिली ऑन द वॉटर ऑफ द सी. शिप जो है वो पानी में आसानी से, समुद्र के पानी में शिप आसानी से मूव कर जाती है. आई कैन मूव इजिली ऑन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, और उसी तरह से मैं रेगिस्तान की रेत में मैं भी उसी तरह आसानी से मूव कर जाता हूँ, चाहे मेरे ऊपर गुड्स हो, मतलब सामान लदा हो, या लोग लदे हों. ओके, सो आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसीलिए मुझे डेजर्ट का शिप कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. हु एम आई, कैमल, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इन कॉमन मैन्स लैंग्वेज दे कॉल मी अ कैमल. मतलब लोगों की कॉमन लैंग्वेज में लोग मुझे कैमल बुलाते हैं. आई कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट रेस्ट. मैं बहुत दूरी तक बिना रेस्ट किए भी चल सकता हूँ, मैं बहुत दूर दूर तक की मतलब यात्रा कर सकता हूँ बिना रेस्ट किए. द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट गिव मी नो प्रॉब्लम. मतलब रेगिस्तान की गर्म रेत जो है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, मैं आसानी से डेजर्ट में मूव कर जाता हूँ. आई कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. मैं कई दिनों तक बिना खाने और पानी के भी रह सकता हूँ. नाउ देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, कि शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा गया है, कैमल को कहा गया है. कैमल बोल रहा है कि जिस तरह पानी में, समुद्र में शिप आसानी से मूव कर जाता है, उसी तरीके से मैं भी डेजर्ट में आसानी से मूव कर जाता हूँ. जिस तरीके से शिप लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, शिप सी को क्रॉस करके, उसी तरीके से मैं भी अपने बैग पे सामान को या लोगों को लाद कर पूरा रेगिस्तान पार कराता हूँ एज अ शिप, है ना, इसीलिए लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. मैं कई दिनों तक बिना खाने और बिना पानी के भी रह सकता हूँ. मैं आसानी से डेजर्ट की रेत पे, सैंड, गर्म रेत पे मूव कर सकता हूँ. मैं बहुत दूर दूर तक मूव कर सकता हूँ बिना थके हुए, मतलब बिना रेस्ट किए हुए मैं मूव कर सकता हूँ, इसीलिए लोगों की कॉमन लैंग्वेज में मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. ओके, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.